प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना नया टॉपिक हिंदी साहित्य के रीतिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि, अंतिम कवि पद्माकर जी, उनके कुछ कवित्व जो है, कविताओं के कुछ अंश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। उन कवितों के अंदर, उन कविताओं के अंशों के अंदर, उस काव्य रचना के अंशों के अंदर पद्माकर जी ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया। उसके बारे में हम आज हम विचार करेंगे और फिर एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी आपके लिए बोर्ड पर जो लिखी हुई है उसके बारे में मैं बता देता हूं, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो फ्लो में आ जाए। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले पद्माकर जी जो है, इनके कुछ कविताओं के अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, लिए गए हैं। पद्माकर जी का जन्म 1753 में हुआ, मृत्यु 1883। ठीक है, पद्माकर जो है ये रीतिकालीन कवि है। कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि है। रीतिकाल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का एक अपना एक कालक्रम था, जिसमें जो है प्रारंभिक काल, भक्ति काल, प्रयोगवाद, रीतिकाल, आधुनिक काल, है ना, जो अपने पढ़े हैं। तो ये रीतिकालीन कवि हैं और रीतिकालीन में भी अंतिम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माभरण, प्रताप सिंह विरुदावली। ये प्रताप सिंह विरुदावली जो कि जयपुर घराने के, जयपुर राजवंशों के प्रमुख राजा थे, प्रताप सिंह कछवाहा वंश के, उनके दरबार में रहे, तो उनके बारे में लिखा हुआ है प्रताप सिंह विरुदावली। प्रबोध 50, ईश्वर 25, यमुना लहरी और आलिजा प्रकाश, ये इन्होंने रचनाएं लिखी है। आगे हम चलते हैं कि रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, रीतिकाल की कवि है और ब्रजभाषा पर इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। कहने का मतलब यह है कि ये ब्रजभाषा के भी कवि है। ब्रजभाषा इनकी मुख्य भाषा है, इनके ऊपर, इस भाषा के ऊपर इनकी पकड़ जो थी वो बहुत मजबूत थी, तो इसलिए इनको ब्रजभाषा का कवि भी कहा जाता है। वे हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे। जो रीतिकाल था, उस रीतिकाल में जो जो कवि थे, उस कवि परंपरा में अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। फिर अपन को लिखा है इसमें, पद्माकर जी अनेक राजकर्ताओं में सम्मान पूर्वक रहे। मतलब पद्माकर जो कवि थे वो
अनेक राजा महाराजाओं के, जैसे ग्वालियर है, जयपुर घराना है, ठीक है, उज्जैन है और सतारा है, यहाँ पर अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे, उनके दरबार में रह करके रचनाएं लिखी, उनकी वीरता शौर्य का, सुंदरता का, प्रकर्षित चित्रण का मनोहारी रूप से इन्होंने चित्रण किया है। आइए बात समझ में। उसके बाद इनकी कविताओं में प्रकृति का मनोहर चित्रण मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो ज्यादातर जो कविताएं हैं उन कविताओं में इन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण अपने शब्दों के द्वारा किया है। अपने शब्दों के अंदर प्रकृति को महसूस करवाया है, उसकी सुंदरता का, उसकी लावण्यता का बहुत सुंदर बखान किया है। अब बात करते हैं अपन अपने सिलेबस के अंदर जो कवित लिए हुए हैं, कुछ कविताओं के अंश लिए हुए हैं, उसमें क्या बताया है कि संकलित कविताओं में पद्माकर जी ने वसंत के मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। मतलब वसंत ऋतु जो है उसके आगमन के दौरान जो प्रकृति में परिवर्तन हो गए हैं, उन परिवर्तनों को बड़े ही सुंदर ढंग से, उन दृश्यों को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने काव्य के अंदर लिखा है और वही अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में, हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं। क्योंकि पद्माकर जी को प्रकृति का भी कवि कहा जाता है, आपको पता है कि हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का प्रकृति के साथ एक संबंध रहता है, एक उसका जुड़ाव रहता है। आपका, मेरा, किसी भी प्राणी का वो प्रकृति से कैसे न कैसे करके किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। हम या हमारे जितने भी जो कार्य हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उसके एक अभिन्न अंग के रूप में है। हम प्रकृति को छोड़ करके या प्रकृति से अलग रह करके अपने कर्म का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसका हर पहलू हमारे से जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से पद्माकर भी जो है वो प्रकृति को महसूस करते हैं, उसका चिंतन करते हैं और उसको समझते हैं। तो इन्हीं तत्वों के द्वारा पद्माकर जी ने अपने भावों को कविताओं के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से अपने काव्य रचना की एक गठरी बांधी और उस गठरी के ही कुछ एक अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसमें बतलाया गया है कि मनुष्य जो है बचपन से ही प्रकृति की गोद में पलता रहता है। यह आपको भी पता है कि हम जो हैं वो प्रकृति की गोद में पलते हैं, बड़े होते हैं और प्रकृति की गोद में समाप्त हो जाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हम इसकी रग रग में पले बढ़े हुए हैं। तो हमारा इसका संबंध जो है वो कई हजारों लाखों वर्षों पूर्व से है।
तो यहाँ पर कवि ने यही भाव प्रकट किए हैं कि किस प्रकार जो प्रकृति है हमें एक ऐसा संदेश देती है या हमारा निर्माण करती है, उस चीज को महसूस किया है पद्माकर जी और बतलाया कि प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन है वो बड़े ही सुंदर हो, वो बड़े ही हृदय स्पर्शी हो। वसंत ऋतु का आगमन, उस दौरान नए नए पत्तों का आगमन, चारों तरफ हरियाली का छा जाना और खुले आसमान में पक्षियों का चहचहाना और वो त्योहारी सीजन, इन सभी का उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। दूसरा, इन्होंने प्रकृति की जो सुंदरता है, सौंदर्यता को बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है कि लताएं, वृक्ष, वनस्पतियां जो कितनी प्रजाति है इनकी, और ये प्रजातियां ही हमारे जीवन में या हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए, आज हमारा जीवन का कोई भी जो कार्य है, जैसा भी कार्य है, चाहे वो मांगलिक कार्य है या अमांगलिक कार्य है, उसमें प्रकृति का एक अपना हिस्सा होता है। प्रकृति का हमारा जुड़ाव काफी वर्षों से है, यही पर कवि यही बतलाना चाहता है कि हम प्रकृति की गोद में पले हुए हैं, इसका हमारा संबंध काफी लंबे समय से है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति हमें नई नई चीजों का आभास करवाती है, प्रकृति ही हमें पालती है, पोसती है। ये सभी भाव यहाँ पर पद्माकर जी ने बतलाए और बताया है कि इसका आभास हमें बसंत ऋतु के आगमन पर स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। प्रकृति जब अपनी सुंदरता की चादर को ओढ़ती है बसंत ऋतु में, तो कोयल भी उनका स्वागत। तो ये ऐसे मनोरम जो दृश्य हैं जो कवि ने अपने काव्य के अंदर बतलाए, बड़ा ही सुंदर दृश्य। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पैरा है उसमें उन्होंने बगीचों के अंदर कृष्ण लीलाओं की जो अटकेलिया है उसके बारे में भी बतलाया है। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको बहुत कुछ और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और सही ढंग से समझ में आ जाए। लिखें, प्रश्न लिखें आप। पद्माकर जी ने प्रकृति चित्रण पर, पद्माकर जी ने प्रकृति चित्रण पर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, कथन की व्याख्या कीजिए, कथन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट लिखें,
अथवा में प्रश्न लिखें, पद्माकर के पठित कार्य के आधार पर, पठित कार्य के आधार पर उनके प्रकृति चित्रण की, उनके प्रकृति चित्रण की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो उसमें लिखें, उत्तर लिखें आप, प्रकृति और मानव का घनिष्ठ संबंध रहा है। जन्म के समय से ही मनुष्य प्रकृति की गोद में पला है और जीवन पर्यंत उसे किसी न किसी रूप में प्रकृति के बीच ही रहना होता है। स्वाभाविक सी बात है कि हमने जन्म लिया है प्रकृति में, प्रकृति में ही पले बढ़े और हमारा संबंध चाहे वो किसी रूप में रहा हो प्रकृति से जरूर रहता है ना। कवि यहां पर यही कहना चाहता है, ऐसी स्थिति में प्रकृति के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। वास्तव में रीतिकालीन कवियों में प्रकृति चित्रण तो बहुत मिलता है, किंतु पद्माकर जी ने अपने प्रकृति चित्रण के प्रति जो अनुराग पैदा किया है वह अन्य कवियों में कम ही मिलता है। पद्माकर ने अपने प्रकृति वर्णन में ऋतु वर्णन 12 मास होते हैं, उन 12 मासों का वर्णन किया है। ऋतु वर्णन दृश्य वर्णन वस्तु वर्णन तथा प्रकृति की विविध छवियों को चित्रित करने में काफी श्रम किया है, लिख लिया। अब फर्स्ट एडिट आने प्रकृति चित्रों के रूप में, फर्स्ट हेडिंग है प्रकृति चित्रों के रूप में, प्रकृति चित्रों के रूप में। आगे बात समझ में, इसमें लिखें पद्माकर के काव्य में जो चित्र मिलते हैं वे प्राय 3 प्रकार के हैं। उनमें पहले तो वे हैं जो आलंबन रूप में है, दूसरे वे हैं जो
है तथा तीसरे चित्र आलंकारिक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं। दोबारा बोल देता हूं, तथा तीसरे चित्र आलंकारिक शैली में प्रस्तुत किए गए हैं, मतलब उन्होंने प्रकृति के तीन चित्र जो है वो प्रस्तुत किए हैं। पहला जो चित्र है वो है सबसे पहले जो है वो आपके लिखा गया है आलम्बन रूप में। प्रकृति कैसे है? आलम्बन रूप में। दूसरा है कवि ने जो बताया उद्दीपन रूप में। तीसरा जो है वो है आपके आलंकारिक रूप में। आलंकारिक रूप में ये तीन चित्र पद्माकर जी ने अपने काव्य में मुख्य रूप से बतलाए हैं। इन्होंने इन तीनों चित्रों का प्रकृति का वर्णन किया है कि प्रकृति आलंकारिक रूप में कैसी है, उद्दीपन रूप में कैसी है और आलंकारिक रूप में कैसी है। इन तीनों भावों का अपने काव्य में समावेश किया है। आगे लिखें, इन तीनों के अतिरिक्त पद्माकर के प्रकृति चित्रण में ऋतुओं का सौंदर्य समाया हुआ है। ऋतुओं का सौंदर्य समाया हुआ है उसमें, इतनी अधिक भावात्मक कोमलता भरी पड़ी है कि पाठक अभिभूत हो जाता है, कि पाठक अभिभूत हो जाता है। प्रकृति के चित्रों में पद्माकर ने अपनी मानसिक शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया है। मतलब जितने विचार, जितना ज्यादा दिमाग, जितनी मानसिक शक्ति का प्रयोग पद्माकर ने अपने काव्य में किया है प्रकृति चित्र में, उतना किसी ने नहीं। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकृति का एक आलंकारिक रूप में, आलंबन के रूप में और उद्दीपन के रूप में चित्रण किया है। उसी के साथ जो ऋतु है उन ऋतुओं का भी उन्होंने बड़ी कोमलता के भाव से वर्णन किया है। आगे लिखें, इतना ही नहीं पद्माकर के द्वारा प्रस्तुत छवियों में कुछ ऐसे दृश्य भी हैं जो एक और ऋतुओं के प्रभाव से मुक्त है और दूसरी ओर होली और वर्षा से संबंधित है। मतलब यहाँ पर कवि का कहने का मतलब है कि एक ओर तो ऐसे स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देते हैं जो ऋतुओं से संबंधित है और एक और ऐसे भाव हैं जो उस ऋतु के प्रभाव से मुक्त है, जिसमें इन्होंने बताया कि होली और वर्षा जो है ये एक दूसरे प्रकार के भाव है जो इनके प्रभाव से क्या है, प्रमुख रूप से मुक्त है। आगे लिखें, कुछ एक ऐसे भाव जो है वो होली से संबंधित है, फाग से संबंधित है, वर्षा ऋतु से संबंधित है, ठीक है। आगे लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बाबा। आगे आप पहला पॉइंट, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण, यह आपके लिखा हुआ है आलंबन रूप
तो आपको उसमें लिखना है फर्स्ट हेडिंग डालिए आपको आलम्बन रूप में प्रकृति का चित्रण, ठीक है। इसमें लिखिए पद्माकर ने प्रकृति चित्रण के लिए आलम्बन शैली को अपनाया है। अब देखो आलम्बन क्या होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। वैसे आलम्बन होता है रस का एक अंग होता है, एक विभाव होता है, और वैसे आलम्बन का अर्थ होता है आश्रय या सहारा। आलम्बन क्या होता है? आश्रय या फिर सहारा, ठीक है। एक आलम्बन रस की उत्पत्ति में एक सहायक तत्व भी होता है, आश्रय होता है, रस की उत्पत्ति में एक सहायक विभाव भी होता है। तो पद्माकर ने अपने प्रकृति चित्रण के लिए आलम्बन शैली को अपनाया। कौन सी शैली को अपनाया? आलम्बन शैली को अपनाया। इसमें प्रकृति के शुद्ध सरल और सीधे चित्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन, पवन के वेग का वर्णन, पवन के वेग का वर्णन पद्माकर के काव्य में आलम्बन रूप में ही आए हैं। उनमें सबसे अधिक वर्णन वसंत ऋतु का है जिसमें एक और अनुप्रास मयी भाषा है। अनुप्रास एक अलंकार है, अनुप्रास मयी भाषा है। उसकी सरसता तथा वसंत की व्यापकता है, उसकी सरसता तथा वसंत की व्यापकता है तो दूसरी ओर वसंत के ब्रज प्रदेश की गली गलियारों में घूमते रहने तथा समस्त परिवेश को अपने सौंदर्य से भर देने का मादक चित्रण है। कवि बसंत का मानवीकरण करता है और कहता है, क्या कहता है जो आपके काव्य की प्रमुख लाइन है पहली, क्या कहता है? कूलन में, कैली में, कच्छालन में, कुंजन में, क्यारी में, कले कले तिलकत है। क्या कह रहा है? कूलन में, कैली में, कच्छालन में, कुंजन में, क्यारी में, कले कले तिलकत है। तो ये प्रकृति का क्या किया इन्होंने? मानवीकरण, मानव का आरोप कर दिया है ना, सजीवता का आरोप कर दिया है। तो यहां पर कवि यही बताया है कि पद्माकर जी ने अपने काव्य के अंदर प्रकृति का आलम्बन रूप में प्रयोग किया है, आलम्बन शैली का प्रयोग किया है जिसमें उन्होंने प्रकृति के हर पहलू को छुआ है, चाहे वसंत ऋतु है, चाहे हवाओं का वेग है, चाहे ऋतुओं की स्थिति है, उन सब का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है और वो भी मानवीकरण रूप में किया है, जिनकी भाषा भी अनुप्रास शैली में है। नेक्स्ट लिखे अगला पॉइंट, उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण, उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्रण। दूसरा पॉइंट ये रहा
उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्र। इसमें लिखें आप उद्दीपन का मतलब क्या होता है। उद्दीपन का मतलब होता है सबसे पहले तर्क होता है उत्तेजित करना। उद्दीपन का मतलब होता है उत्तेजित करना। कोई चीज हमने देखी तो बहुत ज्यादा सुंदर है तो हमारे मन के अंदर ऐसे भाव आते हैं, मतलब वो भाव क्या हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है। या किसी चीज को, किसी भाव को प्रज्वलित कर देना जो सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है, जो सोए में है। जैसे हम गुलाब के बगीचे में जाते हैं तो हमारा मन जो है ना बहुत प्रसन्न हो जाता है उसकी खुशबू से और उसकी सुंदरता को देख करके। हमारे जो भाव है वो प्रस्फुटित हो रहे हैं, वो चीज क्या है, उद्दीपन है। वो क्या है, उद्दीपन है। जैसे माता सीता को देखते हैं या भगवान श्री राम को देखते हैं तो हमें एक ऐसा भाव हमारे दिमाग में आता है, ऐसे मर्यादा के भाव दिमाग में आते हैं कि हमारा जो भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो जागृत हो जाता है। जैसे मीरा को देखा तो जैसे जो मीरा को देखते हैं तो हमारे अंदर जो मीरा की जो भक्ति है, तो भक्ति के जो भाव थे, वैसे ही भाव हमारे मन में क्या हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं या उद्दीपन हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा अपना जो पॉइंट है वो उद्दीपन के रूप में प्रकृति चित्र, ठीक है। मान लो हमने कहीं झरना देखा तो प्रकृति कितनी सुंदर है, ऐसे भाव हमारे दिमाग में आता है कि प्रकृति ने क्या क्या कुछ ओढ़े हुए हैं, क्या क्या कुछ कुछ बनाया है। ऐसे भाव हमारे उद्दीप्त है, जो सुसुप्त अवस्था में उद्दीप्त हो जाते हैं, मतलब प्रकट हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। इसमें लिखे पद्माकर के काव्य में प्रकृति के सर्वाधिक चित्र उद्दीपन रूप में है। उन्होंने बसंत और वर्षा के चित्र सर्वाधिक मात्रा में प्रस्तुत किए हैं, मतलब पद्माकर ने उद्दीपन के रूप में ज्यादातर जो रचनाएं हैं या ज्यादातर जो उद्दीपन रूपी जो भाव है वो वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु के प्रभाव के रूप में सर्वाधिक प्रस्तुत किए हैं। जो बसंत अपने वैभव से संयोग काल में आनंद का कारण था, वही अब वियोग बेला में दाहक और पीड़ादायक हो गया है। जैसे एक नायक है और एक नायिका है, नायिका के पास में या नायक के पास में नायिका है और जब बसंत ऋतु आती है तो वो बड़ा ही सुंदर या मनमोहक दृश्य होता है। नायक नायिका में एक उद्दीपन पैदा होता है, वो बड़ा सुखदायक होता है। लेकिन उसी बसंत ऋतु में नायक के पास में नायिका नहीं है या नायिका के पास में नायक नहीं है तो वही बसंत क्या है, जब उस नायक की याद आती है नायिका को तो वो ही बसंत उसे पीड़ादायक कष्टदायक लगता है। जो बसंत ऋतु बहुत सुंदर सुखदायक लगता था, अब वही क्या हो गया, पीड़ादायक कष्टदायक लगने लगता है। तो ये लाइन लिखनी आपने, बसंत अपने वैभव से संयोग काल में आनंद का कारण था, वही अब वियोग बेला में दाहक और पीड़ादायक हो गया है। यहां तक लिख दिया नाम। आगे लिखें वर्षा ऋतु की मस्ती उसकी भीनी भीनी खुशबू व फुहारों की बादलों की गर्जन, बिजली की चमक दमक और ऐसे में प्रिय का भाव किस नवेली नायिका को
पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, अवश्य ही यह स्थिति सभी के लिए पीड़ादायक होगी। कवि कह रहा है कि जब नायिका के पास नायक नहीं होगा, देखो प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण किया है, वसंत ऋतु का आगमन हो गया है, नायिका जो है वो महलों में उस वसंत ऋतु के आगमन पर अकेली है और नायक जो है वो प्रदेश से चला गया है, तो उस समय जो वसंत ऋतु जो है उसको बहुत पीड़ादायक कष्टदायक लगती है। और वही जब प्रदेश गया हुआ नायक नायिका के पास में होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो वही वसंत ऋतु वही समय उसके लिए सुखदायक होता है। तो यहाँ पर पद्मनकर जी ने प्रकृति का एक उद्दीपन के रूप में भी प्रयोग किया है। आगे लिखे पद्माकर ने अपने प्रकृति वर्णों के माध्यम से, पद्माकर ने अपने प्रकृति वर्णनों के माध्यम से स्त्रियों की वेदना का चित्र प्रस्तुत किया है। बसंत में वियोगिनी किस प्रकार दुखी होती है तथा बसंत उसे किस प्रकार संतप्त करता है, इसका चित्र प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट दिखलाई देता है। और वो कौन सी लाइनें हैं, देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में है, उधो यह सुधोसो संदेशो कही बीजो भलो हरिशो हमाए हया का फूले मन कुंज है डाइन पर दौलत अंगास के पुंज है। मतलब ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है जिसमें नायिका कह रही है कि हे उद्धव आप जाकर के श्री कृष्ण को ये संदेश दे दीजिए कि हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही एक सूखे कुंज के समान है, सूखे बगीचे के समान है। ठीक है, आगे लिखे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखे आलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। तीसरा पॉइंट आलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण। अलंकारिक का मतलब होता है कि काव्य का एक प्रमुख भाग भी कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा काव्य प्रांजल होता है, शुद्ध होता है, जिसको हम अलंकारिक रूप कह सकते हैं। अलंकार जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसी रूप। पद्माकर के काव्य में अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकारों से अपने प्रकृति चित्रण को सजाया है। दोबारा बोल देता हूँ, पद्माकर ने अनुप्रास, रूपक और यमक अलंकारों के द्वारा अपने प्रकृति चित्रण को सजाया है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों ने और भी अलंकारों के माध्यम से चित्र प्रस्तुत किए हैं, लेकिन पद्माकर ने अपने
प्रयोगों में यहीं तक वर्णन किया है। उन्होंने शब्द मैत्री के द्वारा या शब्द मैत्री के साथ साथ अनुप्रासित शब्दावली के द्वारा बसंत का वर्णन किया है, साथ ही वर्षा का उल्लासपूर्वक चित्र प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट लिखे निष्कर्ष रूप में, निष्कर्ष रूप में हेडिंग में लिखे निष्कर्ष, इसमें लिखे संक्षेप रूप में कहा जा सकता है कि पद्माकर प्रकृति के श्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति की सुंदर और आकर्षक छवियां बतलाई है, जिन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि पद्माकर प्रकृति के कवि हैं। वे प्रकृति की आभा और सुषमा को उतारने के लिए बने हैं। आगे लिखें, जिस प्रकार रीतिकालीन कवियों में सेनापति ने प्रकृति वर्णन किया है, उसी प्रकार पद्माकर भी प्रकृति चित्रण में अपना प्रमुख गौरव स्थान रखते हैं। मतलब कहने का मतलब, जिस प्रकार से रीतिकालीन कवियों में सेनापति थे जिन्होंने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया, उसी प्रकार से रीतिकालीन कवियों में भी पद्माकर है, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये हो गया अपना यहाँ पर ये क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और अपने पाठ्यपुस्तक में जो इसके कवि दिए गए, कविताओं के जो अंश दिए गए उनको पढ़ोगे, तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर ढंग से पद्माकर ने प्रकृति का जो चित्रण किया है और अपने भावों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, इसकी मूल भावना समझ में आ गई, इसका जो मूल सार है वो समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल वापस एक नई शुरुआत के साथ, एक नए लेसन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।